तो टेक लेजेंड्स, कैसे आप सब लोग? तो मैं ये नथिंग का फ़ोन करीब एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फ़ोन है गाइस। मेरे कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा इस मोबाइल का रिव्यू वीडियो में सिर्फ 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, तो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा और आपको पता भी चलेगा कि ये फ़ोन एक्चुअली में कैसा है। तो एक हफ्ते से यूज़ करने के बाद मुझे सबसे पहले तो ये डिज़ाइन बहुत ही पहले डिफरेंट लगी थी। थोड़ा सा आपको यूज़ टू होना होगा इस डिज़ाइन को अपनाने के लिए, क्योंकि आज तक आपने जितने भी फोन देखे वो कम्प्लीटली कवर रहते हैं, पीछे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस फोन को आपको यूज़ होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट डिज़ाइन। आपको अगर कुछ यूनिकनेस चाहिए तो ये फोन आपके लिए डिजाइन के मामले 100% स्टैंड आउट करता है। बहुत से लोग आपको पूछते भी है कौन सा फोन है, मतलब आज तक आपने बहुत से ऐसे कंसेप्ट फोन देखे होंगे, पीछे से पूरी की पूरी बैकग्राउंड उसकी ओपन रहती है, कंप्लीटली वैसे नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ दैट फोन जो आपको ये डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट फील देती है, थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है पब्लिक में। सो अगर आप डिजाइन के मामले में करते हो तो 10 out of 10 इस फोन को मैं तो दूंगा। उसके बाद डिजाइन को छोड़ के इसका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई लेवल की या फिर हाई स्पेस की, जैसे कि बाकी के आईक्यू वगैरह फोन देते हैं वैसे चिपसेट तो इस फोन में नहीं है, बट यस जो भी चिपसेट है इट इज अ डिसेंट। हमने वीवो का भी एक फोन देखा था जिसमें आपको 32,000 या फिर 33,000 में आपको एक 900 डायमेंसिटी की चिपसेट मिलती है। वीवो V23 की मैं बात कर रहा हूं, उसी तरह आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि इसकी चिपसेट बहुत ज्यादा हाई स्पेक नहीं है, बट यस आपको डेली टास्क में इसकी कोई भी इशू नहीं आएगी। सो इफ यू आर लुकिंग ओनली फॉर परफॉर्मेंस देन आई विल गिव 8 out of 10। क्यों? बिकॉज इस प्राइस रेंज में जो अभी 33,000 में मिल रहा है उसमें ये डायमेंसिटी 1200 का भी प्रोसेसर इजीली दे सकते थे, विच इज मोर डिसेंट चिपसेट मोर देन दिस चिपसेट। तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा गाइस कि आपको अगर तगड़ा परफॉर्मेंस वाला मोबाइल चाहिए तो ये उसमें थोड़ा सा कम जरूर बैठेगा, बट यस आपको डेली टास्क में इस फोन में कोई भी इशू नहीं आएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेगमेंट बहुत ही मुश्किल है मिलने के लिए, हालांकि अभी गूगल पिक्सल 6 से भी आ गया है जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, इसमें भी आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, लेकिन अगर आप गूगल पिक्सल 6 से इसको कंपेयर करोगे तो इसके स्पेसिफिकेशंस गूगल पिक्सल 6 से बहुत अच्छे हैं और आपको जो एक स्टॉक एंड्रॉइड की इसमें फीलिंग आती है विद 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वो बहुत ही ज्यादा सही है गाइस, और आपको इसमें कोई भी ब्लोटवेयर या फिर कोई भी ऐसा अननेसेसरी ऐप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो आपको बाद में जाकर डिलीट करना पड़ेगा। सो इट इज कंप्लीटली नील क्लीन एंड कंप्लीट फोन फॉर स्टॉक एंड्रॉइड लवर्स। तो अगर आप सिर्फ एक विदाउट ब्लोटवेयर विदाउट एनी एड्स एक अच्छा फोन चाहते हो देन दिस फोन इज गुड फॉर यू, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही कम फोन ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको एक एंड्रॉइड का कंप्लीट क्लीन ओएस मिलता है। सो इट इज वन ऑफ देम फोन। तो अगर आपको एक क्लीन एंड्रॉइड वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बहुत सही है। फोर्थ पॉइंट जिसके लिए आप लेहा तक आए हो और वो है कैमरा। इसमें दो कैमरा आते हैं, दोनों भी सोनी के सेंसर है, 50-50 megapixel के दोनों सेंसर आते हैं, अल्ट्रा वाइड भी 50 megapixel का ही आता है, ये याद रखना। इसकी वजह इसकी जो क्वालिटी है कैमरा की वो बहुत ही ज्यादा सही है। आपको इस प्राइस रेंज में जो एक्सपेक्टेशंस है वो सारी एक्सपेक्टेशंस ये कैमरा आपका कंप्लीट करेगा। एक चीज जो मैंने इसके कैमरा में बहुत ज्यादा नोटिस की है, ये ज्यादा से ज्यादा नेचुरल कलर आपको दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि इसका मैं एक वीवो V23 और आईफोन के साथ मैं इसका कैमरा कंपेरिजन करने वाला हूँ, वो भी वीडियो आपको जल्दी से ही मिल जाएगा। ओवरऑल जितना भी मैंने इसका कैमरा यूज किया है बहुत सही है। फ्रंट का थोड़ा सा मार्क आता है मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, अगर मैं कंपेयर करूँ वीवो के साथ तो इसका फ्रंट का कैमरा वीवो के कंपेरिजन में थोड़ा सा मार्क आता है, बट डिसेंट फोटो है। आपको इस प्राइस रेंज में जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आप वन प्लस के साथ कंपेयर करोगे तो आप यही समझ लो कि एक वन प्लस की तरह ये भी फोटोज बहुत अच्छे निकलता है। तो अगर कैमरे की बात करें तो 9 out of 10 मैं इस फोन को दूंगा। सो पांचवा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे फाइनल वर्ड्स इस फोन के बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ये मैं एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ इस फोन को, और अगर इफ यू आर यूजिंग वन प्लस फोन आपको इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। यस आपको डिजाइन छोड़ के इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू गाइस, वन प्लस के बहुत ज्यादा ऐसे लवर्स होंगे जो 101% इस फोन पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज जब हम वन प्लस की बात करते हैं तो वन प्लस जब पहला फोन आया था तो वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, बट आफ्टर वन प्लस 5th फोन वन प्लस बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओएस एंड कैमरा। ये फोन भी वहीं पे स्टैंड करता है। डोंट फॉरगेट वन प्लस के जो पास के सीईओ है उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किए। तो अगर आप इसे वन प्लस के साथ साइड बाय साइड कंपेरिजन करोगे तो डिजाइन छोड़ के आपको कुछ भी अलग इसमें नहीं मिलेगा। वन प्लस जैसे आपने ओएस के लिए जाना जाता था ऑक्सीजन ओएस के लिए, वैसे ये नथिंग ओएस के लिए 101% लोगों को पसंद आएगा। वन प्लस के लवर्स जो एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड रहता है कि इसमें फोटोज बहुत अच्छे आने चाहिए, तो वन प्लस के जो लवर्स है कैमरा लवर्स वो स्पेशली इस कैमरे को भी बहुत ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे वन प्लस और इस फोन के कैमरे को तो ऑलमोस्ट 99.99% कैमरा के सैंपल सेम ही आएंगे, आपको सेम ही मिलेंगे। बी रेडी वन प्लस आपके बहुत
ज्यादा कस्टमर्स इस फोन पे शिफ्ट होने वाले हैं। फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू, अगर आप OnePlus के फैन हो और OnePlus आपने बहुत ज्यादा यूज किया है तो आप एक बार इस फोन पे शिफ्ट हो सकते हो। आपको जरूर ये ट्राई करना चाहिए, बहुत सही फोन है। तो एक नया OnePlus जो एक रीब्रांड करके आए वैसे आपको ये फील लगेगा जब आप ये फोन यूज करोगे। अगर आप दूसरे एंड्रॉइड फोन से इस एंड्रॉइड फोन पे शिफ्ट होना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हो सकते हो। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपका 35,000 का बजट है तो डेफिनेटली आप इस फोन को खरीद सकते हो। जो कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे कि गर्म होता है तो बहुत ही कम गर्म होता है। अगर आप चार्जिंग की बात करते हो तो अराउंड 45 टू 50 मिनट्स में आपको फुल चार्ज कर देगा। बैटरी की बात करते हो तो आपको एक दिन इजीली जाएगा, कोई इशू नहीं है। 4400 की बैटरी है तो इजीली आपको एक दिन के लिए जाएगी। अब रही बात कैमरा, तो कैमरा का मैंने तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। और ओवरऑल डिजाइन की तो यस, थोड़ा सा ये यूनिक डिजाइन है, आपको यूज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही रहेगा गाइस, इस फोन में डिजाइन छोड़ के कुछ भी नया नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, डिजाइन छोड़ के इसमें कुछ भी नया नहीं है। और सामने ये जो डिस्प्ले दिया है, ये कुछ नया तरीके का डिस्प्ले दिया है। अगर आप इंस्टेंटली कोई फोन लेना ही चाहते हो तो डेफिनेटली इस फोन के लिए जाओ। लेकिन अगर आपने रिसेंटली फोन लिया है और वो छोड़ के अगर आप सोचे ये फोन ले लो, तो लेट मी टेल यू गाइस, इसमें आपको डिजाइन छोड़ के कुछ भी नया नहीं मिलेगा। और अगर आपको शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है तो ये फोन बहुत ही अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको एक इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया होगा कि ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना है। बड़े बड़े रिव्यूज के वीडियो आप दूसरे चैनल्स पे भी देख सकते हो। मुझसे भी बहुत अच्छे टेक रिव्यूअर्स हैं जो आपको इसका इन डेप्थ रिव्यू देंगे। लेकिन जो मैंने एक हफ्ते से यूज किया है उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट रिव्यू दिया। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने ट्राई किए होंगे आपको इस शॉर्ट रिव्यू में देने के लिए। तो पसंद आ गया है तो लाइक जरूर करना गाइस, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा आपके OnePlus के फैंस के साथ जो ये फोन खरीदने की सोच रहे हैं। 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है हमारा गाइस, 500 सब्सक्राइबर्स पे। ये जो मेरा हेडफोन है नॉइस का, ये हेडफोन मैं गिव अवे करने वाला, नॉट दिस वन, मैं नया हेडफोन गिव अवे करने वाला हूँ। सो बी इन दैट माइंड ऑल्सो, अगर आप देख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।